tertiary are fast substituted, then secondary, then primary hydrogens. तो alkanes में substitution का जो order हमने किया था वो ये कि tertiary hydrogens are substituted faster, then secondary, then primary. ये मैंने last point शायद दिखा भी दिया था. ठीक है, अब हमें इस टॉपिक पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है. अगर हम कहते हैं टर्शरी फास्ट याद करते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो बेटा क्लोरीनेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनकी रिएक्टिविटी स्पीड है 1:3.8:5. यानी क्लोरीनेशन में प्राइमरी जो है अगर 1 की स्पीड से रिएक्ट करता है 1% उसका रिएक्टेंट शो करती है रिएक्शन, तो सेकेंडरी तब तक 3.8 रिएक्ट भी कर चुके होते हैं. ठीक है, और टर्शरी जो है वो 5 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं. यानी मेरे पास अगर 5 मॉलिक्यूल्स हो तो 5 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, तो टर्शरी 5 में ही रिप्लेस हो जाएगा. सेकेंडरी जो है सिर्फ 3.8 मतलब एवरेज 4 के करीब में रिप्लेस होगा और प्राइमरी सिर्फ 1 में रिप्लेस हो पाएगा. तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एक परसेंटेज मतलब रेशियो मिल गई. लेकिन ब्रोमिनेशन में यही आंसर चेंज हो गया. व्हेन वी से ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी रेशियो आई 1:82:1600. तो ब्रोमिनेशन में टर्शरी अगर 1600 टाइम रिप्लेस हो गया तो सेकेंडरी अभी सिर्फ 82 टाइम्स ही रिप्लेस हो पाएगा और प्राइमरी सिर्फ एक ही बचा रिप्लेस हो पाया सब्स्टिट्यूट हो पाएगा. तो अब हमारे पास ये एक परसेंटेज और अवेलेबल डाटा था. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इतना डिफरेंस क्यों? क्लोरीनेशन रिएक्टिविटी तो सबकी अपनी अपनी होती है. ब्रोमिनेशन लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है. जब कोई धीरे धीरे काम कर रहा हो तो ज्यादा सिलेक्टिव ज्यादा चूजी होता है. जब कोई तेज रिएक्ट कर रहा हो तो उतना सिलेक्टिव चूजी नहीं ले रहा था. बेटा इसमें आपका ये डिफरेंस जो इतना ह्यूज डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ब्रोमिनेशन में 1600 टाइम्स और यहाँ सिर्फ 5 टाइम्स, तो इसका रीजन ये कि आपने कहा था ब्रोमिनेशन स्लो होती है. ब्रोमिनेशन इज स्लोअर देन क्लोरीनेशन. जब कोई स्लो होता है तो सिलेक्टिव होता है. ठीक है, उसको मौका मिल जाता है सिलेक्ट करने का कि मैं टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में से टर्शरी को सिलेक्ट कर सकता हूं. जबकि फास्ट होता है तो एट रैंडम हो रहा होता है, जो दिखा उसी से रिएक्ट कर जाओ. ठीक है, तो यहां पे ब्रोमिनेशन क्योंकि स्लो है इसलिए हाईली सिलेक्टिव. टर्शरी वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, लेकिन जब क्लोरीनेशन है तो सिलेक्टिविटी कम है क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है. स्पीड ऑफ क्लोरीन इज वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव. मान लेते हैं प्रोपेन की क्लोरीनेशन की, और मैंने आपसे कहा कि मोनो क्लोरीनेशन वर्ड यूज कर रही हूं, मोनो क्लोरीनेशन करनी है. बेटा मोनो क्लोरीनेशन का मतलब आपने सिर्फ एक क्लोरीन रिप्लेस करनी है, एक मतलब नहीं तो 2 3 4 5 6 7 8 जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन आपने सिर्फ एक लगानी है. तो चांसेस थे आपको मिलता या तो 1 chloroprofen मिलता या फिर बनता 2 chloroprofen. पहले बताओ ये समझ आ गया? 3 chloroprofen तो नहीं बन सकता था ना. ठीक है, प्राइमरी का अपन सेकेंडरी एंड दिस इज अगेन प्राइमरी. अब मान लो मैंने आपसे कहा कि ये x परसेंट बना है और ये y परसेंट. परसेंटेज निकालना कैसे आएगा? हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज? देखो जरा, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स 6, रिएक्टिविटी कितनी आ जाएगी 6:1 क्योंकि 1 की रेशियो से रिएक्ट करते हैं. अगर बताओ जी नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स 2 कितने हैं? 2. रिएक्टिविटी इज
2 × 3.8 कितना हो गया 6 and 7.6 टोटल रिएक्टिविटी 7.6 + 6 = 13.6 टोटल रिएक्टिविटी इज 13.6 आप बताओ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी 6 by 13.6 × 100 एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी 7.6 by 13.6 × 100 राइट तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड ये आपने तभी करने की सोचना है जब आपको न्यूमेरिकली वो पूछेंगे अगर नहीं पूछते हैं तो आपको पता ही होना है कि सेकेंडरी वाला क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट मुझे बताओ इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी वाई वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी ना इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x तो ये हमारा बन गया मेजर प्रोडक्ट और पहला वाला क्या बन गया माइनर प्रोडक्ट हाँ जी मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज्यादा परसेंटेज में बनता है ठीक है मेजर प्रोडक्ट मीन्स मान लो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक 70% बना और एक 30% तो हम कहेंगे जो 70% बना वो मेजर प्रोडक्ट है जो 30 बना वो माइनर प्रोडक्ट राइट करके बताओ जरा ब्यूटेन की मोनोक्लोरीनेशन करनी है ब्यूटेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी वांट टू हैव मोनोक्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन करो जी हाँ जी कोई भी बोलो बेटा X परसेंट कितना लिया दोबारा सुन यहां पे कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं 3 और 3 6 ठीक है एक प्राइमरी हाइड्रोजन क्लोरीनेशन में 1:1 से रिएक्ट कर रहा था 1 3.8 और फिर 5 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये उसकी रिएक्टिविटी रेट आ गया सेकेंडरी आ गई 2 और रिएक्टिविटी हो गया 2 × 3.8 टोटल कितना हो गया 13.6 आप बताओ प्राइमरी कितने बने 6 out of 13.6 × 100 ऐसे सेकेंडरी कितने बने 7.6 13.6 से डिवाइड किया × 100 राइट तो नेचुरल है इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो एक्स कम आएगा और वाई ज्यादा आएगा जो ज्यादा आएगा वो मेजर प्रोडक्ट जो कम आएगा वो माइनर प्रोडक्ट मेरा ब्यूटेन की क्लोरीनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये आपने बताना है और परसेंटेज बतानी है मुझे किसकी कितनी आएगी परसेंटेज परसेंटेज ऑफ द टू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड टोटल रिएक्टिविटी तो 21.2 ब्यूटेन इज 4 कार्बन 1 2 3 4 सब लोगों ने ऐसा ही सोचा प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी वन क्लोरोब्यूटेन एंड 2 chlorobutane यू कैन प्रिपेयर एनी डाउट वन क्लोरोब्यूटेन एंड 2 chlorobutane आर फॉर्म्ड
एक एच रिप्लेस किया तो डेफिनेट नहीं जाएगा। अब आपके पास ये प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मुझे इसकी परसेंटेज चाहिए और इसकी परसेंटेज चाहिए। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं? सिक्स। सेकेंडरी आर फोर। कितने? सिक्स को मल्टीप्लाई कर दो वन से, फोर को 3.8 से, ये हो गया सिक्स, ये हो गया कितना? 15.2 या आ गया 21.2 टोटल। आप बताओ परसेंटेज निकाल दोगे? एक्स कितना आएगा? व्हाट इज एक्स? 6 by 21.2 into 100। और व्हाट इज वाई? 15.2 by 21.2 into 100। जितने भी प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे उतने ही लेंगे। प्राइमरी है तो दोनों में सिक्स ले रहे हैं। कितने बन रहे हैं मैम? तीन बन रहे हैं ब्रोमीन में प्रोडक्ट। जिसको मर्जी जो मर्जी लिख लो मैम। जैसे ये वाला अगला इसमें टर्शियरी आएगा ना, तो फिर टर्शियरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1600। चलो जी अगले वाले क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो बेटा, स्टार्ट करना भी नहीं। ये वाला यूज करिए 5। इसमें आपके फेस में एक्स की परसेंटेज आ जाएगी। किसमें? इसमें वाई ज्यादा आएगा एक्स से। आप जिसको मर्जी जो मर्जी लो, लेकिन आप ये बताओ प्राइमरी ज्यादा पड़ेगा कि सेकेंडरी ज्यादा पड़ेगा, ये बताओ। बेटा आपके यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट ही बन पाएंगे, एक बार आपने टर्शरी को रिप्लेस किया विद ब्रोमीन और एक बार आपने किसी भी प्राइमरी कार्बन को रिप्लेस कर दिया विद ब्रोमीन। क्योंकि सारे प्राइमरी कार्बन एक ही जैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओगे। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है, परसेंटेज नहीं पूछी मैंने। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने थे जी इस क्वेश्चन में जो पहले दिया मैंने? 9 into 1 कर दूं। नंबर ऑफ सेकेंडरी है ही नहीं, सीधा ही टर्शरी है, तो कितने हैं? 1 into 1600। अगले वाले में 3 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट कितना होगा? 9 by 1609 into 100। और परसेंटेज ऑफ टर्शरी प्रोडक्ट इट इज 1600 by 1609 into 100। अगले वाले में नाम 3 प्रोडक्ट करेंगे। 4 3 नेक्स्ट में आपने मुझे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं कि मोनोब्रोमिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल टर्शियरी गिने हैं, पहला और दूसरा कौन सा? वो तो दो
ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो टर्शियरी प्रोडक्ट है, क्या एक टर्शियरी और एक दिन सेकंड और क्या इसमें तो टर्शियरी है ही नहीं हाइड्रोजन मैम अगले वाले में तीन प्रोडक्ट कार्बन बॉन्डेड टू थ्री कार्बन टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस करना है बेटा यहाँ पे कहाँ कोई हाइड्रोजन चौथा कौन सा कर रही है मैम ने भी बोल दिया तो चौथा प्राइमरी है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी पहले आप वन पे प्रोमो लगा सकते थे फिर आप टू पे प्रोमो लगा सकते हो बेटा फिर हम थ्री पे भी प्रोमो लगा सकते हैं और फिर से देखा जाए तो यहां पे भी वन पे पीआर लगा सकते थे तो चार प्रोडक्ट्स बन सकते थे हर बार एक नया आयुपेक नेम आ रहा है इसलिए आप चार प्रोडक्ट्स बना पाओगे हालांकि चाहे प्राइमरी कार्बन दो तीन बार आपने दो बार आपने सब्स्टिट्यूट किए लेकिन प्रोडक्ट तो नया ही बन रहा है अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल तो सारे ही दिखने पड़ेंगे ना आपको मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स ये सब लगाया कि चार प्रोडक्ट्स कैसे बनाए मैंने सब जगह ब्रोमीन लगा के आयुपेक नेम देखा तो सब बार ही हर बार डिफरेंट आ रहा था और ये दोनों बिल्कुल सेम है इसलिए इन दोनों की कोई बात नहीं की इसमें से मैंने एक कोई सब्स्टिट्यूट किया ये दोनों बिल्कुल सेम थे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ठीक है तो आपके पास था क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन विच वन इज मोर स्पेसिफिक एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज परसेंटेज वाला टॉपिक स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है सिर्फ आईआईटी कॉम्पिटिशन वालों के लिए है ठीक है और मेडिकल वालों के लिए कहीं कहीं जब आप अपनी बुकलेट्स खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे कि विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर तो आपको चाहे परसेंटेज ना पूछ रहे लेकिन आपको मेजर माइनर तो पूछा जाएगा कि विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर प्रोडक्ट ठीक है जी समझ आ गया नेक्स्ट वी हैव इज मैंने लास्ट क्लास में कराया था फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव लास्ट क्लास में हमने किया था फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव रिमेम्बर सबको याद है अगर ये एक्सप्लोसिव है इसका मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जाएगी देयरफॉर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट रिकमेंडेड यानी अगर आपको कहा जाए कि टू फ्लोरो या वन फ्लोरो इथेन ही बनाना है तो आप नहीं बना सकते डायरेक्ट फ्लोरीन डाल के लिखोगे तो गलत है नंबर जीरो ही मिलेंगे कन्वर्जन में भी आप फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते ठीक है अब अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम उसको इनडायरेक्टली कर सकते थे बेटा आर एक्स में अगर हम आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर मर्क्यूरस ट्राइफ्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड ये कुछ भी डाल देते हैं इनमें से कुछ भी तो एल्काइल हैलाइड में अगर इनमें से कुछ भी डाल दिया जाए तो यू विल गेट आर एफ प्लस मैं एक लिख देती हूं ए एस सी एल थ्री यानी फ्लोरीन वहां एक्स की जगह पे चला गया और यहां पे एक्स थ्री लगा देती हूँ ए एक्स एक्स थ्री बन जाएगा आर्सेनिक हैलाइड ये जो एक्स हम लेंगे ये हमारे लिए होगा क्लोरीन और ब्रोमीन हमें पता है क्लोरो और ब्रोमो बनाना तो बहुत आसान था वो हम बना सकते हैं और उसके बाद में जब बन जाएंगे फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे तो ये होती है इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन अब ना तो ये एक्सप्लोसिव है ना हमें इसमें कोई रिस्क नजर आ रहा था और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन This reaction is called Swartz reaction. For example, methane की chlorination कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यस और नो एक्सप्लोसिव तो नहीं है नो
नॉर्मल है। मोनोक्लोरीनेशन करोगे तो क्या बनाओगे? प्लस एचसीएल किया था। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं अब इसमें एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड डाल दूं तो क्या बनेगा? CH3F SBCl3 ही बनेगा ना। ये तीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एंड सो ऑन, वो सब होता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन करी, बना तो मीथेन से फ्लोरोमीथेन, लेकिन डायरेक्टली नहीं बना लिया, मुझे पहले क्लोरीनेशन करनी पड़ी और फिर मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है जी, ऐसे बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। ऐसी रिएक्शंस को बोल सकते हैं कि हमने हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। उसका नाम मैंने क्या बताया? स्वाट्स रिएक्शन। Iodination is slow and can attain equilibrium. Is it clear? कोई doubt? Reason बताया था कि HI strong reducing agent है, reaction को backward ले जाएगा, backward ले जाएगा तो reaction दोबारा से alkane बना के बैठ जाएगी। हमारे लिए risk था, इसलिए हम oxidizing agent डालते हैं ताकि reaction forward हो जाए। याद आया कुछ कुछ? सबको याद आ गया कि iodination slow थी, इक्विलिब्रियम का साइन डाला था मैंने बीच में। ठीक है, अब हम कहेंगे अगर ये भी स्लो है तो इफ आई हैव आर एक्स और मैं इसमें डाल दूं सोडियम आयोडाइड तो ये बन सकता है आर आई प्लस एन ए एक्स इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हमने इनडायरेक्टली आयोडीन लगा लिया, डायरेक्ट नहीं लगता तो ना सही, हम उसे इनडायरेक्टली लगा सकते थे। क्लियर? फिर तो दिया था आर एच प्लस आई टू। यहाँ पे एक्स हम प्योर या ब्रोमीन? एक्स इज अगेन फ्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि इनको लगाना तो बहुत आसान था और आयोडीन से रिप्लेस कर दिया। एन ए एक्स यहाँ पे प्रेसिपिटेट है तो NaX is not soluble in acetone। जो हमने एसीटोन डाला हुआ है NaX उसमें घुलता नहीं है, therefore reaction will shift forward। जैसे टेस्ट में आए थे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। NaX is not soluble in acetone, इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। सोचो जरा, अगर हमारा सॉल्वेंट एसीटोन है तो ये उसमें नहीं घुल रहा, ये नीचे बैठ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड आती जाएगी, तो आपको क्या मिलता जाएगा? आइडो प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। आयोडिनेशन को बोलते हैं फिंकलस्टीन, जबकि फ्लोरिनेशन, इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्या बोला गया था? स्वाट्स। दोनों ही हैलाइड एक्सचेंज है, दोनों में हम हैलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर लिखो जरा, क्लोरिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय फिंकलस्टीन, क्लोरिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या करो बेटा? ऑर्गेनिक इज टोटली मेमोरी गेम,
या तो आपको आती है तो याद रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए कौन सी रिएक्शन कब कर दी, कैसे हुई, ये सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप अगला प्रोडक्ट बना पाओगे। जैसे मैंने ये लिखा क्लोरिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए मोनो क्लोरिनेशन से क्या बनेगा। यू हैव डन इट, आपको कराया गया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बताओ क्या बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये बनाना आ गया, प्लस HCl चलो आपने अगर सोच भी लिया तो बना दो, कोई बात नहीं। अब आपने इस पे सर्कल लगाया, मैंने कहा था फॉलोड बाय फिंकलस्टीन, क्या डालू तो फिंकलस्टीन हो जाएगी, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या प्रोडक्ट आपका फाइनल हुआ, CH3CH2Cl प्लस NaCl बनेगा, और नमक पानी में तो घुल जाता है लेकिन नमक एसीटोन में नहीं घुलता, ठीक समझ आया। तो दिस इज अबाउट चैप्टर एल्केन्स, वी आर फिनिश्ड विद। टॉपिक कंप्लीट हो गया था ना यहाँ तक आयोडिनेशन वाला, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एल्कीन्स, हमारा अगला टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए पहला टॉपिक लिखो, एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑलिफिन्स। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, मुहूर्त तो आज अच्छा है थोड़ा सा। ऑल्सो नेम्ड एज ऑलिफिन्स बिकॉज ऑयल्स आर हैविंग पाई बॉन्ड्स, वन डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑयल्स में डबल बॉन्ड होता है इसलिए ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। Unsaturated, presence of pi bond, CnH2n is the formula. A complete homologous series है ये हमारे पास। First member is C2H4. एक कार्बन की कोई एल्कीन नहीं होती, C3H6, डिफरेंस इज ऑफ CH2 और 14, C4H8, अगेन द डिफरेंस ऑफ CH2 और 14, नॉमनक्लेचर एल्कीन्स का आप लोग कर चुके हो। राइट, आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स मैंने पूरा आपको कवर अप कर दिया था। इसमें होता है चेन आइसोमेरिज्म, वी हैव पोजिशन आइसोमेरिज्म, वी कैन हैव रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड वन मोर इज देयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारों के टेस्ट भी अब आपने दे दिए, टेस्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, तो नाउ यू नो दैट व्हाट आर आइसोमर्स, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, मैंने आपको ड्रॉ कराया था C3H6 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, जगह छोड़ दो ये आप घर जाके ड्रॉ करके देखोगे आज। C4H8 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, दिस यू विल ड्रॉ, ये मैंने करवाए हुए हैं आपको, लेकिन ये आप प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़ोगे, क्योंकि जब आप स्कूल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे और इस पर कॉपी को खोल के पढ़ोगे तो ये खाली जगह आपको कहेगी कि काम करो। C5H10, इसके भी आइसोमर्स मैंने आपको ड्रॉ कराए थे, साइक्लिक रिंग वाले एंड ऑल, तीनों की प्रैक्टिस आपके अच्छे से हुई है, ठीक है जी।